हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ओटीपी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। गाइस, जो ओटीपी की प्रॉब्लम है ये अक्सर हमारे साथ होती है जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं या किसी एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करते हैं या कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। तो गाइस, मेन टाइम पर हमें ओटीपी रिसीव नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा जो काम है वो पेंडिंग रहता है, काम पूरा नहीं हो पाता है। गाइज, आपने YouTube पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, लोगों ने तरह तरह की सेटिंग के बारे में बताया है कि आप ये सेटिंग कर लो, आपका OTP रिसीव हो जाएगा। लेकिन गाइज, OTP का सेटिंग से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। आज के इस वीडियो में आपको दो ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिनको आप यूज़ करके इमीडिएटली उसी टाइम पे अपने OTP को रिसीव कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइज, अगर वीडियो पसंद आए, आपका OTP रिसीव हो जाए, तो गाइज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप गाइज, चलिए मैं आपको पहले ट्रिक के बारे में बताता हूँ कि अगर आपको OTP रिसीव नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है। गाइज, सिंपली आपको अपने फ़ोन के डायल पैड में जाना है और अपने ही नंबर को वहाँ पे टाइप करना है और डायल कर देना है। गाइज, जिस नंबर पे आपका OTP आने वाला है आपको वही नंबर वहाँ पे डालना है और उसी नंबर से उसको डायल करना है। गाइज, आपको कॉल को तब तक कट नहीं करना है जब तक आपका OTP आपको रिसीव ना हो जाए। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रिक है ये 100% वर्किंग ट्रिक है। मैंने काफ़ी टाइम इसको ट्राई किया है और गाइज, इमिडिएटली मुझे OTP रिसीव हो गया है। गाइज, जैसे ही आप अपने नंबर को डायल करोगे, आपको कुछ सेकेंड बाद आपका जो OTP है आपको रिसीव हो जाएगा। और गाइज, आप उस OTP को फॉर्म में डाल के या एप्लीकेशन में डाल के, ट्रांजेक्शन में डाल के उसको कंप्लीट कर सकते हो। गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और गाइज, आपका जो OTP है आपको उसी टाइम पे रिसीव हो जाएगा। इसके बाद गाइज, हमारा जो दूसरा ट्रिक है, आपको अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड कर देना है या तो रीस्टार्ट कर देना है। गाइज, जब आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर दोगे तो आपका जो नेटवर्क है रिफ्रेश हो जाएगा और गाइज, आपका जो OTP है आपको रिसीव हो जाएगा। आपको सिर्फ यही दो ट्रिक यूज़ करने हैं और गाइज, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो OTP है आपको रिसीव हो जाएगा। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि गाइज, आपका जो नंबर है उस पर आउटगोइंग की जो सुविधा है वो एक्टिवेट होनी चाहिए। गाइज, काफ़ी सारे लोगों के नंबर पे रिचार्ज ना होने के कारण उनका जो इनकमिंग सुविधा है, आउटगोइंग कॉलिंग है, वो बंद हो जाता है। और गाइज, अगर आपने अपने नंबर पे कोई रिचार्ज प्लान एक्टिवेट नहीं रखा है तो गाइज, आप कभी भी OTP को रिसीव नहीं कर पाओगे। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि कोई ना कोई रिचार्ज प्लान आपके नंबर पे एक्टिवेट होना चाहिए, तभी गाइज आप OTP को रिसीव कर पाओगे। और गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे गाइज हमारे जो नए व्यूवर हैं वो आपके कमेंट को देख के इस ट्रिक को यूज़ करेंगे और उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन रिलेटेड, नए नए जानकारी रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।